हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। हम लोग कर रहे थे मेवाड़ का इतिहास। हम लोगों ने 44 क्वेश्चन कर लिए थे लास्ट वीडियो में। आज हम करने वाले हैं 45 क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन 45 है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ अव्यवस्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो इसका आंसर है राजसम्बंध में। ठीक है, तो इसका आंसर चित्तौड़गढ़ नहीं लगाना है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसम्बंध में स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 46, किस मेवाड़ शासक को हिंदू सुरताड़ कहा जाता है? किस मेवाड़ शासक को हिंदू सुरताड़ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राणा कुंभा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो इसका सही आंसर है मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है कवि अत्री और कवि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की जिससे कुंभा के विद्या अनुरागी होने का प्रमाण मिलता है? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की? तो इस ग्रंथ में कुंभा के विद्या अनुरागी होने का प्रमाण मिलता है। तो इसका सही आंसर है कान्ह व्यास ने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना की कान्ह व्यास ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध ग्रंथ की रचना किसने की? तो इनकी ग्रंथ की रचना जो है वो करने वाले राणा कुंभा। राणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, हिंदू सुरताड़, अभिनव भट्टाचार्य, इन सभी उपाधियों से किस शासक को जाना जाता है? तो ये इन सभी उपाधियों से जाना जाता है राणा कुंभा को। याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दान गुरु के नाम से किस शासक को जाना जाता है या अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किस शासक को जाना जा सकता है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, हिंदू सुरताड़, अभिनव भट्टाचार्य, इन सभी उपाधियों से जाना जाता है राणा कुंभा को। अगला देखिए 52 क्वेश्चन है, राणा सांगा मेवाड़ के शासक कब बने? तो राणा सांगा जो है वो मेवाड़ के शासक बने 1509 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, किस युद्ध में राणा सांगा ने 1519 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया? तो महमूद खिलजी को हराया राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में 1519 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54, किस युद्ध में राणा सांगा ने 1517 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया? तो 1517 में होता है खातोली का युद्ध, इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, किस युद्ध में राणा सांगा ने फरवरी 1527 ईस्वी में बाबर की सेना को पराजित किया? तो खातोली के युद्ध के बाद बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ जिसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, किस युद्ध में बाबर से राणा सांगा की हार हुई? अब राणा सांगा विजयी हुए थे और उसके बाद जो हारे किसमें थे? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मांडलगढ़ में। राणा सांगा का समाधि स्थल मांडलगढ़ में बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, इतिहास प्रसिद्ध वीरांगना पन्ना धाय जिसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से किसकी रक्षा की थी? तो इसका सही उत्तर है राणा उदय सिंह की। तो उदा की रक्षा की थी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59,
उदय सिंह का राज्य अभिषेक 1537 ईस्वी में किसके सहयोग से हुआ था? उदय सिंह का राज्य अभिषेक 1537 ईस्वी में किसके सहयोग से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है राव मालदेव के सहयोग से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। उदय सिंह ने राव मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर अपनी सत्ता कब हासिल की थी? उदय सिंह ने राव मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या करके अपनी सत्ता कब हासिल की थी? तो यह 1540 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। उदयपुर नगर किसने बसाया? तो नाम से ही याद रख पाएंगे, उदयपुर नगर बसाया राणा उदय सिंह ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62। अकबर ने चैमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां कहाँ लगवाई थी? अकबर ने जैमल और फत्ता की हाथी पर सवार मूर्तियां कहाँ लगवाई थी? आगरा के किले के बाहर जैमल और फत्ता की हाथी की सवार मूर्तियां लगवाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन। अकबर ने 1572 से 1576 ईस्वी के बीच प्रताप के पास चार शिष्टमंडल भेजे थे, उनका सही क्रम क्या है? तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है, इसका सही क्रम क्या है? जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65। मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध जो है वो हुआ 18 जून 1576 ईस्वी में। कहीं पर आपको 21 जून भी मिलेगा, लेकिन आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग आपको करना है 18 जून। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन। किस विद्वान ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा? तो कौन से विद्वान ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा? ये कहा अबुल फजल ने। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध को ही गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो खमनौर का युद्ध कहने वाले अबुल फजल थे, और गोगुंदा का युद्ध कहा हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायूनी ने। किसने कहा? बंदायूनी ने कहा हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? तो मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व करने वाले जगन्नाथ कछवाहा। मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किया जगन्नाथ कछवाहा ने हल्दी घाटी के युद्ध में। इसके बाद प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व जो है वो किया था हकीम खां सूर ने। ठीक है, जगन्नाथ कछवाहा मुगलों की तरफ से, और महाराणा प्रताप की सेना के हकीम खां सूर ने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ? 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ? तो यह हुआ महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच में। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच में हुआ दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 71 क्वेश्चन। किस वर्ष के बाद अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अभियान नहीं भेजा? तो काफी अभियान जो है वो अकबर ने प्रताप के विरुद्ध भेजे ताकि वो अपनी अधीनता स्वीकार कर ले अकबर की, लेकिन कब नहीं भेजा? 1585 ईस्वी में नहीं भेजा। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन। प्रताप ने 1597 में अपनी राजधानी किसे बनाई? तो अंतिम राजधानी जो है वो प्रताप ने 1597 ईस्वी में बनाई चावंड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो हुई 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। तो देखिए कई बार हमसे गलती हो जाती है याद करने में,
तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो गर्मियों में यानी 9 मई, ठीक है, और मृत्यु जो है वो सर्दियों में 19 जनवरी। ऐसे भी थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है वो कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी में। अगला है, किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है दिवेर के युद्ध को। दिवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन। नेक्स्ट है, मेवाड़ और मुगल संधि किस महाराणा के समय हुई? मेवाड़ और मुगल संधि जो है वह किस महाराणा के समय हुई? तो महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह के समय में, जनवरी 1615 ईस्वी में मेवाड़ और मुगल संधि हुई। नेक्स्ट देखिए, 76 क्वेश्चन। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी? जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो उन्होंने भेजा था शहजादा खुर्रम को, ठीक है, शहजादा खुर्रम को भेजा था जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन। राणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच शत्रुता होने का क्या कारण था? तो राणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच, तो इसका कारण जो था वो ये था, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन विवाह हुआ था राज सिंह के साथ। इसके अलावा जजिया कर का विरोध यह भी राज सिंह कर रहे थे, जो कि औरंगजेब ने दोबारा से लगा दिया था अकबर के बाद। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कर दी थी, औरंगजेब ने दोबारा से प्रारंभ कर दिया था। मारवाड़ और मुगल संघर्ष में राज सिंह का मारवाड़ का साथ देना, यह भी औरंगजेब को पसंद नहीं आया, और इस वजह से क्या हुआ है? राज सिंह और औरंगजेब के बीच में शत्रुता। गोमती नदी के पानी को रोककर राजसम्मत झील का निर्माण किसने कराया? गोमती नदी के पानी को रोककर राजसम्मत झील का निर्माण करवाने वाले, याद रखना है, राज सिंह। राजसम्मत झील का निर्माण करने वाले कौन है? राज सिंह। नेक्स्ट देखिए, 79 क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति किसने लिखवाया था? तो संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति लिखवाने वाले राज सिंह थे, ठीक है, याद रखना है, राज प्रशस्ति राज सिंह ने लिखवाई। राज प्रशस्ति कितने काले संगमरमर पत्थरों पर लिखी गई है? राज प्रशस्ति कितने काले संगमरमर पत्थरों पर लिखी गई है? 25 काले संगमरमर पत्थर पर लिखी गई है राज प्रशस्ति, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 80 क्वेश्चन किए हैं। मेवाड़ का इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम मारवाड़ का इतिहास करेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।